हेलो गाइज, मैं आज आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आपको काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। उसके साथ ही साथ मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है आप उसे काफ़ी सारा प्यार देते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो। उसकी वजह से अपना जो चैनल है मिस्टर आदित्य ऑफिशियल वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो रहा है, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है बूम बीटअप। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और इसे यूज़ करके आप किसी को भी परेशान कर सकते हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, उसको भी परेशान कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। कैसे करते हैं मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके बता देता हूँ। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, जो फेक ओटीपी रहते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट मंत्रा जैसी वेबसाइट के ओटीपी रहते हैं वो सामने वाले को भेजता है और सामने वाला परेशान हो जाता है कि इतने सारे ओटीपी मुझे कहाँ से आ रहे। तो सिंपल इधर आपको नंबर डाल लेना है जिसको भी आपको परेशान करना है, उसके बाद सामने वाले को कितने SMS भेजने हैं इधर आपको डाल लेने हैं। मान लो कि मैंने एक नंबर डाल लिया और मुझे 500 SMS सामने वाले को भेजने हैं, तो सिंपल इधर आपको 500 डाल लेना है और बूम बीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज, ये जो नंबर आपने डाला है उसको 500 SMS चले जाएंगे और सामने वाला परेशान हो जाएगा कि मुझे इतने सारे मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। तो गाइज, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो चलो अभी हम दूसरे एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो गाइज, ये रही हमारी दूसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है टैग जैन, और ये भी एप्लीकेशन सामने वाले को परेशान करने के लिए आपकी मदद करती है। आप भी सोच रहे होंगे ये भाई तो परेशान करने वाली ही एप्लीकेशन बता रहा है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसे यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। आगे एक और भी एप्लीकेशन है जो थोड़ी सी अलग है, लेकिन इस एप्लीकेशन को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या करना है आपको, जो कि सामने वाला परेशान हो जाएगा। तो चलो इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद गाइज आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यह एप्लीकेशन क्या काम करती है। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है सामने वाले को फेक मिस कॉल भेजती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये मिस कॉल किसके आ रहे, क्योंकि उधर अदर नंबर रहते हैं, अदर कंट्री के नंबर रहते हैं और आप जितने भी मिस कॉल भेजना चाहते हैं उतने मिस कॉल उसको चले जाते हैं और सामने वाला परेशान हो जाता है। तो जिसको भी मिस कॉल भेजने है आपको उसका नंबर इधर डाल लेना है। मैं कोई भी एक नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको कितने मिस कॉल भेजने हैं इधर आपको टाइप कर देना है। मान लो कि आपको 20 मिस कॉल भेजने हैं तो आपको इधर 20 लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, इधर आपको सेकंड टाइप कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। बस आपका काम हो गया। आपने जो भी नंबर डाला है उसको इतने सारे मिस कॉल चले जाएंगे कि वो परेशान हो जाएगा कि इतने सारे मिस कॉल मुझे कहाँ से आ रहे हैं। तो गाइज, ये तो हो गई हमारी दूसरी एप्लीकेशन जो परेशान करने वाली है। तो चलो अभी देखते हैं तीसरी एप्लीकेशन कौन सी है। तो गाइज, ये रही हमारी तीसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है बबल कीबोर्ड। नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन सामने वाले को परेशान करने वाली नहीं है। ओके, तो चलो इस एप्लीकेशन को ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको ये एप्लीकेशन क्या काम करती है। ओके, तो चलो इस एप्लीकेशन को ओपन कर दे। तो गाइज, ये जो एप्लीकेशन है स्टिकर बनाती है। आप व्हाट्सअप चैट में यूज़ करते हो, सामने वाले को जो स्टिकर भेजते हो वही स्टिकर इस एप्लीकेशन में बनते हैं। और गाइज, मुझे मज़े की बात ये लगी इस एप्लीकेशन में कि आप अपना खुद का भी स्टिकर बना सकते हो। ये जो आप विराट कोहली का अमिताभ बच्चन का फेस देख रहे हो इधर आपका फेस आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर क्लिक कर देना है। सिंपल इधर आपको कैमरे पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो फ्रंट कैमरा है वो चालू हो जाएगा और अपना जो फेस है वो कैप्चर कर लेगा और आपने जो स्टिकर है वो भी बना देगा। मैंने ट्राई करके देखा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये देखो गाइज, ये जो मेरा फेस है इसके स्टिकर बन चुके हैं और मुझे काफ़ी मज़ा आया इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में। ये देखो गाइज, काफ़ी सारे स्टिकर बनते हैं इस एप्लीकेशन में। आप भी यूज़ करके देखना, काफ़ी सारा मज़ा आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। और गाइज, ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आपको सिंपल लिंक पे क्लिक करके इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है जो आपको अच्छा लगे।
तो चलो गाइज हमारा अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कौन सा है। तो गाइज ये जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, उसके बाद इधर टाइप कर जाना है फेक कॉल ऑनलाइन, ओके। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। मेरा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और गाइज आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ये जो कीबोर्ड देख रहे हो आप लोग, इस पे आपको जिसको भी फेक कॉल करनी है उसका नंबर डाल लेना है। मान लो कि मैंने एक नंबर डाल लिया, उसके बाद कॉल पे क्लिक कर देना है और सामने वाले को एक फेक नंबर से कॉल चला जाएगा। आपने इधर जिसका भी नंबर डाला है उसको फेक नंबर से कॉल चला जाएगा और उससे आप बात भी कर सकते हैं और उसको उल्लू भी बना सकते हैं और गाइज उसका काफ़ी सारा मज़ा ले सकते हो आप लोग। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ करना, अदर किसी रीज़न के लिए गलत कामों के लिए मत यूज़ करना। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, उसके साथ अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।